एवरी वन, वेलकम बैक टू माई चैनल। सो गाइज, आज मैं ना लाइव स्ट्रीम मैंने हेल्प की थी, तो बहुत से स्टूडेंट्स लाइक जसप्रीत सिद्धू, कैनाज कौर टिल्लो, मेघा, प्रदीप कौर, प्रदीप कौर एंड रजनी, एंड यू नो बहुत से थे, श्रीवास्तव, और मुझे आई डोंट नो बहुत सारे स्टूडेंट्स थे। अराउंड 150 स्टूडेंट्स ने लाइव स्ट्रीम ज्वाइन की, बट आई कन्वे माई अपोलोजीज टूवर्ड्स यू बिकॉज बहुत ही ज़्यादा पुअर क्वालिटी थी लाइव की, बिल्कुल अच्छी क्वालिटी नहीं थी। सो सॉरी फॉर दैट, आई रियली फील रिग्रेट बिकॉज मैंने होप नहीं किया था कि इतने सारे स्टूडेंट्स हमारे लाइव स्ट्रीम में ज्वाइन होंगे, बट आपने हमारी होप से ज़्यादा किया। बट हम आप लोगों के साथ एक अच्छा कंटेंट तो प्रोवाइड लेके आए थे, बट क्वालिटी नहीं प्रोवाइड कर पाए, तो बिकॉज ना गाइज टेक्निकल इश्यू होने की वजह से ना लाइव स्ट्रीम यहाँ पे रेंज बहुत कम थी, तो आप लोगों के साथ जो है हाई क्वालिटी नहीं शेयर हो पाई। सो सॉरी फॉर दैट अगेन। तो अभी लॉन्ग वीडियो में मैं आप लोगों के साथ जस्ट स्टेटमेंट शेयर कर देती हूँ और साथ ही मैं एक्सप्लेनेशन कर देती हूँ कि सो कंप्यूटर्स डू नॉट हेल्प चिल्ड्रन इन लर्निंग मोर एफिशियंसली, ऑन द कंट्रारी द यूज ऑफ कंप्यूटर्स हैज अ नेगेटिव इफेक्ट ऑन चिल्ड्रंस फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट। टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री? सो डिस्पाइट दिस सैम्पल आंसर, हम इसे किस तरह से चेंज कर सकते हैं अगर आपको कोई भी जनरल लाइन नहीं पता है? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्यूटर से रिलेटेड जनरल लाइन सभी को पता होती है, बट फिर भी इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं अगर नहीं पता? तो देखिए, चिल्ड्रंस फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट आप कॉग्निटिव यूज कर सकते हैं, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट इसको यूज कर सकते हैं। तो आप अपनी थीसिस लाइन बताइए कि थ्रू आउट द ईयर्स कंप्यूटर्स प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन एकेडमिक्स एंड मोस्ट ऑफ द एकेडमिक पार्ट्स आर डिपेंड्स ऑन कंप्यूटर बिकॉज वेन एवर चिल्ड्रन स्टक इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट दे जस्ट गेट थ्रू द कंप्यूटर्स एंड सॉल्व देयर प्रॉब्लम। ओके, तो इस तरह की जो है आप यूज कर सकते हैं, बट इसके नेगेटिव इफेक्ट्स भी आपको बताने हैं। तो टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री? आप एक अगर फ्रेमली सपोर्ट नहीं कर सकते एक भी आप इसको, या फिर यू नहीं बोल सकती कि एक्सट्रीमली एग्री, बिकॉज ये आप दोनों ही करने हैं, आप दोनों के साथ होना है आपको एग्री और डिसएग्री, बिकॉज हेल्प भी करते हैं। बट हाउएवर इट वाली आपको स्ट्रक्चर पता ना, ऑल दो इट हैव सम बेनिफिशियल पॉइंट, येट सम हैजर्ड्स, या फिर आप बोल सकते सम बैक ड्रॉबैक्स, सॉरी है ना, सम ड्रॉबैक्स एंड एडवर्स इफेक्ट आप यूज कर सकते हैं इस तरह के नेगेटिव इफेक्ट्स जगह एडवर्स इन्फ्लुएंसेस। ओके, सो जस्ट यहाँ पे चलते हैं इंट्रोडक्शन की ओर। कंप्यूटर्स आर एन इनवेटेबल पार्ट, ओके, पार्ट ऑफ ऑलमोस्ट ऑल वॉक्स ऑफ ह्यूमन लाइफ नाउ एंड लर्निंग इज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय दीज मशीन्स इन द प्रेजेंट। आई कंप्लीटली एग्री दैट दे हेल्प चिल्ड्रन टू लर्न मोर एफिशियंटली। कंप्यूटर्स facilitate learning in innumerable ways. One of them is visual and auditory applications. They make learning easier and even amusing for children. With every passing day, with the passage of time, भी आप यहाँ पे use कर सकते हो। So guys, where we are? हाँ, हम बोल रहे थे कि with every passing day, जैसे हम बोल रहे हैं ना, टाइम इज इंक्रीजिंग, बहुत इस तरह के ना जो बिल्कुल एकदम लो वोकैबुलरी है वो आजकल स्टूडेंट काफ़ी मैंने देखा यूज करते हैं, बट आप इस तरह से कीजिए, थ्रू आउट द ईयर्स विद द पैसेज ऑफ टाइम या विद पासिंग डे कंप्यूटर्स आर इनरिच्ड विद द न्यू सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दैट इनक्रेडिबली एड, यहाँ पे एड जो हेल्प है असिस्ट वाला, ठीक है ना, लर्निंग एंड एक्सप्रेशन, फॉर एग्जाम्पल या फॉर इंस्टांस यूज कीजिए, या फिर टू एपिटॉम यूज कीजिए, जो कि लाइव स्ट्रीम में मैंने आप लोगों को बताया था टू एपिटॉम वाला। टू एपिटॉम स्टूडेंट्स ऑफ ज्योग्राफी एंड कार्टोग्राफी आर ऑलवेज थ्रिल्ड टू सी अर्थ ऑन स्क्रीन विद द हेल्प ऑफ ग्लोब अर्थ, गूगल अर्थ। ओके, सो यहाँ पे इन्होंने कनेक्टर यूज किया है, मोर ओवर आपको जरूर कनेक्टर यूज करने, बिकॉज कनेक्टर हेल्प टू एनहांस योर बैंड। ओके, इट कैन ऑल्सो बी अ ग्रेट हेल्प वैन वन इज कनेक्टेड टू द वर्ल्ड वाइड वेब और एज वी कॉमनली कॉल इट द इंटरनेट। स्टूडेंट कैन लोड्स ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू देयर सब्जेक्ट, इंटरनेट इनरिचेज देयर नॉलेज एंड इम्प्रूव देयर एकेडमिक्स परफॉर्मेंस। हाउ एवर यहाँ पे कनेक्टर यूज किया, ओके, आप यहाँ पे यूज कर सकते हो हाउ एवर की जगह, ऑन द फ्लिप साइड, या फिर मूविंग फर्दर। ओके, हाउ एवर सम पीपल आर्ग्यू दैट यूजेस ऑफ कंप्यूटर इज हार्मफुल टू द बॉडी ऑफ चिल्ड्रन,
तो सिंपल अगर आपको स्ट्रक्चर बनानी तो इट इन्फ्लुएंस एडवर्सली ऑन चिल्ड्रन इंटेलेक्चुअल स्किल्स. ओके इट इज सिग्निफिकेंटली प्रूवन दैट एक्सेसिव यूजेस कैन डैमेज देयर आईज एंड कैन कॉज मस्कुलर डिसऑर्डर्स ऑल्सो. या फिर ऑल्सो की जगह आपने यूज करना. इन एडिशन लॉन्ग आवर्स ऑन द इंटरनेट माइट मीन हार्मफुल लैक ऑफ सोशल कंटैक्ट बट कनेक्ट बट लाइक वी गिवन चिल्ड्रन अ लेसन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन ऑल अदर फैक्ट्स ऑफ लाइफ इट इज इम्पॉर्टेंट दैट द पेरेंट एंड टीचर इन अस गाइड दैम टू अ बैलेंस इन देअर डेली रूटीन वाइल टेकिंग केयर दैट देअर अपब्रिंगिंग इज इनरिच्ड विद द अपॉर्चुनिटीज कंप्यूटर. ओके एक और वर्ड देखो आप बोलते हो ना जुवेनाइल्स बोलते हैं स्टूडेंट को आप बोल सकते हो. जो छोटे स्टूडेंट्स होते हैं आई मीन जूनियर्स होते हैं ऑफ स्प्रिंग्स और जुवेनाइल्स यहाँ पे अपब्रिंगिंग आ गया है ना. और एक और वर्ड मैंने रिसेंटली पढ़ा है जो मैं आप लोगों से डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी. ओके तो पुपिल्स यूज कर सकते हो. ओके अपॉर्चुनिटीज कंप्यूटर्स प्रेजेंट दैम विद द यंग जनरेशन इज टू बी सेव्ड फ्रॉम फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स दैट कम अबाउट विद एक्सट्रीम बिहेवियर. Thus I reiterate that computers are integral to children's learning process and with adequate precautions we can certainly minimize the drawbacks and optimize benefits. So बहुत ही beautiful structure दिया था. Next जो है statement वो देखिए आप screenshot ले लीजिए because I haven't time to just explain these all writing task because I have already make video on that topics. Screenshot ले लीजिए guys please. Okay ये भी काफी important है. Again guys so मैंने आप लोगों के साथ बोला था कि 10 तक statement मैं आप लोगों के साथ आज share करूंगी. So मैंने 10 स्टेटमेंट पूरी की पूरी शेयर कर दी हैं. नाउ इट्स योर ड्यूटी टू प्रिपेयर इट्स योर बाय सेल्फ एंड जस्ट शेयर योर आइडियाज इन कमेंट बॉक्स. सो थैंक यू सो मच वीडियो को एंड तक देखने के लिए. बाय बाय स्टे ट्यून्ड विद मी फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज.